हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एनएस क्लास 12 के केमिस्ट्री के सॉल्व टीएमए, जो कि अप्रैल 2024 एंड अक्टूबर 2024 स्टूडेंट्स के लिए है। इस में देख देख कर आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हो और आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो टीएमए सबमिट करना क्यों ज़रूरी है? टीएमए सबमिट करना इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि थ्योरी आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, तो 100 मार्क्स से 20 मार्क्स आपके असाइनमेंट्स कैरी करेगा, 20% मार्क्स आपके असाइनमेंट्स कैरी करते हैं। ये असाइनमेंट्स 20 मार्क्स का है, तो ये आपके मार्क्स को इनक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प करता है, तो इसलिए ये असाइनमेंट्स आपको सबमिट करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो अब आपको बनाने कैसे हैं, A4 शीट पेजेस आप लोगों को प्रैक्टिकल के ले लेने हैं, देन उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट, जैसे कि केमिस्ट्री का असाइनमेंट्स आप लोग बना रहे हो, ठीक है ना, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का नेम लिखना है, देन उसके बाद सब्जेक्ट कोड लिख लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटली 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो में पूरे सॉल्व दूंगी, ठीक है। हमारे वीडियो को देख के आप अपने असाइनमेंट्स अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे और काफ़ी अच्छे मार्क्स हमारे आते भी हैं। हमारे असाइनमेंट से जितने भी स्टूडेंट्स हमारे बनाते हैं तो उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप अपने असाइनमेंट्स देख देख के बनाते रहना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 words, ठीक है। 40 to 60 words में आपको आंसर्स लिखने होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे A और B ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, तो आपको इनमें से कोई एक ही करना होता है। तो मैंने यहाँ पे A नंबर वाला सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन आपको वैसे ही लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, विदाउट स्किप किए वीडियो को देखोगे तभी आपको सारे अच्छे से आपको नॉलेज मिलेगी, और आप विदाउट नॉलेज को स्किप किए आप अपनी वीडियोस देखो ताकि आपके डाउट्स जो रहते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए धीरे धीरे स्टार्ट कर लेते हैं। ये फुल आपको देख के जैसा लिखा है हमने वैसा ही लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेके लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पे भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 words, यहाँ पे भी सेम 40 to 60 words में ही आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे भी मैंने A नंबर ही सॉल्व किया है, हाउ डू मेटलिक एंड आइकॉनिक सब्सटेंस डिफर इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये आंसर दिया हुआ है, आप लोग जैसे जैसे मैंने लिखा है सेम अपनी फाइल में आप लोगों को वैसे ही लिखना है। तो चलिए आइए, स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देख देख के अपने असाइनमेंट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें यूट्यूब वीडियो से देख करके बनाने में असाइनमेंट्स दिक्कत आती है, हमें PDF मिल जाए इसकी, तो वो भी आप हमारे चैनल के थ्रू ले सकते हो। काफ़ी लो अमाउंट ही रखा है जिससे सभी स्टूडेंट्स अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भी B नंबर का क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व किया है, नेम 2 factors विच फेवर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने लिखा है सेम वैसे ही आपको लिखना है। क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को क्वेश्चन हमेशा ब्लैक पेन से आप लोग लिखोगे, आंसर हमेशा आप लोगों को ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 to 150 words, यहाँ पे आपको 100 to 150 words में आपके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने सेम A नंबर का ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रही हूँ। तो आप लोग धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी, आप देख देख के अपने असाइनमेंट्स जो है बना लेना। अगर आप लोग चाहते हो कि हमें हैंड रिटन TMA मिल जाए, हमें लिखना भी ना पड़े, तो आप लोग हैंड रिटन TMA भी हमारे चैनल से कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हो। आपको
नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यूट्यूब के बैनर पे भी हमारा नंबर दिया रहेगा, आप वहाँ से भी हमसे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में भी सेम आंसर, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं। यहाँ पे भी मैंने ए नंबर ही सॉल्व किया है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ एनी वन मेटल विच कैन बी रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, तो धीरे धीरे आंसर्स मैं आपको स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग असाइनमेंट्स देख देख के बना लो। अगर कोई डाउट्स आप लोगों के मन में रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। ठीक है, और भी अगर आप लोगों को अपने किसी भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स नीड हो तो आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वो असाइनमेंट्स भी बहुत जल्द मैं आपको सॉल्व करके इसमें दे दूँगा। हमारे थ्रू जितने भी आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं ये सभी NS एक्सपर्ट टीचर के थ्रू सॉल्व करवाए जाते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को दिए जाते हैं ताकि आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें इसकी PDF मिल जाए तो आप हमसे कांटेक्ट करके PDF भी ले सकते हो, और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें हैंड रिटन TMA मिल जाए तो वो भी आप हमारे चैनल के थ्रू ले सकते हो। काफ़ी अच्छी राइटिंग में हम आपको असाइनमेंट्स देते हैं जिससे कि आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें हैंड रिटन मिल जाए तो वो भी आप हमारे चैनल से ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हर जगह आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अपने क्वेश्चंस जो कि देखते लिखते चलो। आपको अगर क्वेश्चन पेपर इसका चाहिए हो तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इसको हाफ़ क्वेश्चन लिखते हैं हाफ आंसर लिखते हैं, लेकिन आपको हाफ आंसर हाफ क्वेश्चन नहीं लिखना है। अगर ऐसा शॉर्टकट आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोग मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, टीचर्स आपके असाइनमेंट्स चेक नहीं करेंगे, इसलिए ये गलती आप लोग ना करें। तो चलिए आइए आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आंसर्स आप लोगों को दिया है तो यहाँ पे ये जैसे बोल्ड करके मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखा है। ठीक है, तो आपको ये हमेशा ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी जब आप लोग लिखोगे तो ब्लैक पेन से ही लिखना, और ये जितना भी आंसर है ये आप लोगों को ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, ताकि टीचर को समझने में काफ़ी ईजी हो और आपके असाइनमेंट्स अच्छे से टीचर चेक भी करें। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सेम यहाँ पे भी डार्क बोल्ड कलर से जो लिखा हुआ है इसको ब्लैक से लिखना है हमेशा आपको, और आंसर जो लाइटली लिखा हुआ है उसको हमेशा ब्लू पेन से आप लोगों को लिखना है। ये आंसर थोड़ा बड़ा आप लोगों को लगेगा क्योंकि ये इसलिए थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड जो है ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा बड़ा होता है। तो शॉर्टकट मत यूज़ करना आप लोग, नहीं तो आप लोग अपने मार्क्स कट करवाओगे टीचर के पास से, इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छे से दे दी जाती है ताकि आप लोग कहीं पे भी ऐसा मिस्टेक नहीं करो जिससे आपके मार्क्स कटें। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर था, ये आंसर यहीं पे कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हो तो आप लोग हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स PDF ले सकते हो। हैंड रिटन असाइनमेंट्स भी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगा, तो वो भी अगर लेना चाहो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी वीडियो, तो दूसरों के साथ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिले और ऐसी ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहें। ठीक है।